खेवनी भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले की खेवनी, हमारी खेवनी, खेवनी वन अभ्यारण्य। अभ्यारण्य खेवनी की स्थापना वर्ष 1955 में हुई, जिसके तहत कन्नौद, आष्टा तथा इच्छावर के कक्षों को सम्मिलित कर अभ्यारण्य बनाया गया, जिसका कुल क्षेत्र 134.77 वर्ग किलोमीटर का है। खेवनी अभ्यारण्य को रूप देने के लिए विभाग ने वन विश्राम गृह, सर्कुलर रोड और वन्य प्राणी जीवन के लिए पानी के शासक, वॉच टावर आदि निर्माण कांड किए। कहा जाता है कि पुराने समय में राज्य के शासक यहाँ खेवनी वन क्षेत्रों में शिकार के लिए आया करते थे, जिसका प्रमाण यहाँ बनी गोल कोठी एवं लोहे का वॉच टावर को देखने से मिलता है। खेवनी दौलतपुर मार्ग पर नाहर व्यू पॉइंट से पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों एवं जामने नदी का अत्यंत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है एवं अभ्यारण्य के कलम तलाई क्षेत्र से पूरे खेवनी का आकर्षण रूप दिखता है। अभ्यारण्य के क्षेत्र भूरी घाटी एवं बालंगा नदी के किनारे वन्य पशु एवं पक्षियों को अक्सर देखा जा सकता है। वन्य पशुओं में बाघ विशेष रूप से देखने को मिलता है एवं चीतल, सियार, जंगली बिल्ली, कब्र बिज्जू, लंगूर बंदर आदि दिखते हैं। पक्षियों में भी खेवनी अभ्यारण्य बहुत ही समृद्ध वन क्षेत्र की गिनती में आता है। गत 2 वर्षों में वन विभाग ने अभ्यारण्य में पक्षी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर पक्षी सर्वे करवाया, जिसके तहत यहाँ 150 से ज़्यादा प्रकार के सुंदर पक्षी पाए गए, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी रुद्राज, नवरंगा, नीलकंठ, चातक, कलगीदार सर्पचिल एवं उल्लू की कई प्रजाति प्रमुख हैं। प्राकृतिक रूप से पक्षियों की विभिन्न प्रजाति जितनी इस अभ्यारण्य में दिखाई देती है उतनी आसपास कहीं दिखाई नहीं देती। पर्यटक की दृष्टि से भी खेवनी अभ्यारण्य में अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर इंदौर एवं भोपाल इस अभ्यारण्य से समान दूरी पर लगभग 130 किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ पर पर्यटक कम से कम खर्च में प्राकृतिक सौंदर्य एवं वन्य जीवों का आनंद ले सकते हैं। तो ये है हमारा खेवनी अभ्यारण्य, सुंदर, समृद्ध, संपन्न।